सिद्धार्थ नगर के जिले के अंदर जो धरती गौतम बुद्ध की धरती रही है, जहां सिद्धार्थ के रूप में उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय यहां गुजारे हैं, मैं सिद्धार्थ नगर की धरती को नमन करता हूं। और इस सिद्धार्थ नगर की धरती में कपिल महोत्सव जो यहां का जन जन का सांस्कृतिक आध्यात्मिक कार्यक्रम बन चुका है, आसपास के जिले के लोग यहां आकर अपनी पुरातन संस्कृति संस्कारों संस्कृति को आदान प्रदान करते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा व्यापक महोत्सव बन चुका है। उत्तर प्रदेश की धरती आध्यात्मिक की धरती है। भगवान राम का यहां जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का यहां जन्म हुआ, सिद्धार्थ से बने गौतम बुद्ध का यहां जन्म हुआ, पास में कबीर की धरती भी यहां पर है। ये धरती आध्यात्मिक और संस्कृति की धरती है, जहां देश के नौजवानों ने अपने शौर्य वीर से भारत माता की सुरक्षा का काम किया, रक्षा का काम किया। देश नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश कई बड़े देशों की आबादी जितनी है उससे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की है। और इसीलिए इस प्रदेश की आध्यात्मिक संस्कृति शौर्य वीरता हमारी पुरातत्व संस्कृति संस्कार विचार आज संपूर्ण भारत को नहीं पूरे देश और पूरे विश्व को संदेश देते हैं। और विशेष रूप से यहां के सांसद जो संसद के अंदर भी आपकी भावनाओं को आपकी बात को आपके विचारों को आपकी समस्याओं को आपके कठिनाइयों को आपके अभावों को देर रात्रि तक सबसे ज्यादा संसद में अपनी बात कहने वाले और सबसे ज्यादा बैठने वाले संसद जगदीपाल। और जगदीपाल केवल संसद में नहीं कहते, पूरे प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर जितनी इस उम्र के अंदर भ्रमण करते हैं शायद कोई सांसद नहीं करता। इनसे मैं कई बार पूछता हूं कि एमपी साहब कहां है, कि सिद्धार्थ नगर सुबह दिल्ली के अंदर, दिन में लखनऊ में, देर रात को यहां कंबल बांटते हुए, लोगों की शादियों के अंदर, मरण मौत के अंदर। यही एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि जनप्रति संवेदनशील रहे, अपनी जनता की समस्याएं अभावों को दूर करे और किस तरीके से लाखों लोगों का रिप्रेजेंट करते हुए अपनी बात संसद में रहकर सरकार और शासन के उनके अभाव तक पहुंचाने का काम करे। हमारे विधायक महोदय श्री श्याम धनी जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष
गोविंद माधव जी, योगेंद्र प्रताप जी और जिला कलेक्टर के रूप में जो यशस्वी काम कर रहे हैं दीपक मीना जी, मैं आप सबको आज इस कपिल महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज इस जिले के जनप्रतिनिधि भी यहां पर आए हैं, स्वच्छधारी भी आए, ग्राम सेवक के रूप में सेवा करने वाले अधिकारी भी आए, और सभी का एक लक्ष्य है कि किस तरीके से भारत की धरती पर बसने वाले हर गांव का मैं विकास करूं, अपने जिले के गांव का विकास करूं। और इस लक्ष्य को बनाकर ग्राम प्रधान अपने दायित्व को निभा रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर सबसे सशक्त लेकिन सबसे मजबूत, जिसका गांव की जनता से सीधा संवाद रहता है, उस ग्राम प्रधान की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वह ग्राम प्रधान जो जनता से चुनाव जनप्रतिनिधि है, किस तरीके से अपने गांव के अंदर, अपनी पंचायत के अंदर विकास का मॉडल बनाकर वहां की लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को समझते हुए किस तरीके से गांव का विकास कर सकता है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है। और इसीलिए लोकतंत्र के संवैधानिक ढांचे के अंदर पंचायतों को व्यापक अधिकार दिए हैं कि पंचायतें अपने गांव की कार्य योजना बनाए, विकास की कार्य योजना बनाए, और समाज के अंतिम व्यक्ति तक का कल्याण करने का संकल्प ले। मुझे आशा है आपके जिले के ग्राम प्रधान जो इस लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं कि इस गांव की विकास की जिम्मेदारी तो मेरी है सही, लेकिन इस गांव को भी मुझे आदर्श गांव बनाना है, लोगों की जिंदगियों को बेहतर करने के लिए चुनी हुई संस्था के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं किस तरीके से यहां की लोगों की जिंदगियों को बेहतर कर सकता हूं, यहां की जिंदगियों को बदल सकता हूं। और इसीलिए आज जब हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, हमारी लोकतंत्र की यात्रा को 75 वर्ष हो रहे हैं, इस 75 वर्ष की यात्रा में हमारा संकल्प है कि हम लोगों की जिंदगियों को बेहतरीन करें, लोगों की जीवन के सामाजिक आर्थिक जीवन में बदलाव लाएं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर सरकार ने भी जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं के आधार पर योजना बनाई है, कई योजनाओं को शुरुआत की है ताकि उन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिले। यहां पे मेरे सामने स्वच्छधारी कार्यकर्ता भी बैठे हैं। आज देश के अंदर गांव से लेकर महानगरों तक एक स्वच्छता का अभियान
मेरा गांव सबसे स्वच्छ गांव रहे, मेरा वार्ड सबसे स्वच्छ वार्ड रहे और स्वच्छता के अभियान को संकल्प के रूप में 130 करोड़ जनता आज ये कार्य कर रही है। हम स्वच्छता के आधार पर जहां स्वच्छता होगी, मिशन जल मिशन के माध्यम से लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा, खुले में शौच को मुक्त करने के संकल्प के साथ लोगों को शौचालय मिलेगा, ये सब व्यक्ति के सामाजिक जीवन में परिवर्तन का आधार है। और इस सामाजिक परिवर्तन से जहां हमारी मां महीनों की हम मर्यादाओं को रख पा रहे हैं, वहां पर स्वच्छ जल स्वच्छता के आधार पर जो संभावित बीमारियां होती है, जो बीमारी के सबसे बड़े कारण होते हैं कि जहां स्वच्छता नहीं रहती, पीने का पानी नहीं मिलता, वो बीमारी के सबसे बड़े कारण को हमें आजादी के 75वें संकल्प के साथ लेना है कि मुझे मेरे गांव के अंदर स्वच्छ पीने का पानी मिले, मेरा गांव स्वच्छ मिले, ताकि बीमारियों से हम मुक्ति पाए। ये जिम्मेदारी भी आपकी है और यही संकल्प आज यहां पर कपिल महोत्सव उत्सव के अंदर हम करने आए हैं। मुझे आशा है कि हम अगर सामूहिक रूप से सब प्रयास करेंगे, आजादी के 75 साल की यात्रा के अंदर समाज का हर व्यक्ति अपना सामाजिक दायित्व समझते हुए, कर्तव्य समझते हुए कि समाज के अंदर आर्थिक सामाजिक जीवन में बदलने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं संविधान के अंदर जब अधिकारों की बात करता था तो आज कर्तव्यों की बात भी करता हूं और यह कर्तव्य दायित्व मेरा है। मैं समाज के जीवन को बदलने का काम करूंगा, लोगों की जिंदगियों को बदलने का काम करेंगे। ये अगर नीचे से ऊपर तक की लोकतांत्रिक संस्थाएं काम करने लगे तो हम आजादी के 100 साल होने के बाद दुनिया के सबसे बढ़ते हुए देश हैं। आज भी दुनिया के अंदर भारत को लोग मानते हैं कि भारत में जिस तरीके से सामाजिक आर्थिक बदलाव आ रहा है, जिस तरीके से हमारा नौजवान अपनी तकनीक और बौद्धिक क्षमता के कारण दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं और इसीलिए मानते हैं, भारत आर्थिक रूप से भी बढ़ता हुआ देश है, तकनीकी और बौद्धिक क्षमता के आधार पर हमारे जवानों से बढ़ता हुआ देश है और सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ देश अगर दुनिया का कोई देश देखते हैं तो भारत की ओर देखते हैं। और इसीलिए हमारा लक्ष्य है कि जब आजादी के 100 साल हों तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी हमारा हो। आज भी है, सबसे बड़ा देश भी अपना हो, लेकिन सामाजिक आर्थिक ढांचे के हर क्षेत्र के अंदर भी दुनिया के अंदर सबसे बढ़ता हुआ देश भारत हो। इस संकल्प के साथ हमें चलना है और मुझे आशा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जनप्रतिनिधियां सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों के अंदर लोगों की जिंदगियों को बेहतर करने के लिए वह समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश के हर गांव के अंदर, हर जिले में मेरा अपना उत्पादक हो, निर्माण का कार्य हो, प्रोडक्टिविटी के अंदर मेरा जिला सबसे आगे हो, मेरा जिला मेरा प्रोडक्ट, इसके अभियान को लेकर औद्योगिकरण के रूप में नया युग शुरू हो रहा है।
ये सिद्धार्थ नगर जहां से काला नमक चावल प्रसिद्ध है, आने वाले समय के अंदर ये काला नमक चावल केवल सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर निर्यात का बड़ा हब बने, तो ये बने सिद्धार्थ नगर बने। इसलिए अब आवश्यकता है कि हम हमारे जिले के अंदर, हमारे गांव के अंदर किस तरीके से गांव में हस्तकला, वास्तुकला, हमारी शिल्पकारी के बढ़िया प्रोडक्ट, हमारी महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है, हमारे नौजवान जो स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, हमारे किसान जो नई तकनीकी की खेती कर रहे हैं, उन सब के सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। और सामूहिकता के साथ हम समाज के सामाजिक आर्थिक बदलाव की नई प्रतिबद्धता के साथ, संकल्प के साथ आजादी के हमें 75 वर्ष मनाने, मुझे आशा है ये 75 साल का अमृत महोत्सव समाज के सभी क्षेत्रों का कल्याण करेगा, सभी क्षेत्रों के अंदर हम साफ सामूहिकता के साथ करते, सामूहिक संकल्पता के साथ काम करते हुए इस समाज जीवन के अंदर व्यापक परिवर्तन लाएंगे। और ये कपिल महोत्सव भी इसकी एक झलक है। इन महोत्सवों के माध्यम से हमारी प्राचीन संस्कृति, संस्कार, संस्कृति को दिखाते हैं। हम मेले लगाते हैं जहां पर हमारे हाथ के बने, गांव के बने प्रोडक्टों को एक बाजार मिले। इसके लिए महोत्सव, किसी जमाने के अंदर गांव के अंदर जब कभी मेला लगता था तो जब साधन नहीं होते थे तो लोग इंतजार करते थे कि मेला लगेगा, उसमें मैं मेरी चीजों को खरीदूंगा, आवश्यक वस्तुओं को खरीदूंगा। आज इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार भारत कर प्रोडक्ट को बनाने की आवश्यकता है। हम आत्मनिर्भर भारत तो बने सही, लेकिन हमारे हर प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन चेन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निर्यातक के रूप में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बने। और इसीलिए देख रहे होंगे आप कि ये सारे बदलाव आप इस समाज जीवन में देख रहे होंगे। ये उत्तर प्रदेश के अंदर जहां लगातार मैं देख रहा हूं, लखनऊ से लेकर तमाम प्रदेश के इलाकों के अंदर, कोई जमाना था जब सारे हमारे लड़ने के हथियार, छोटे छोटे इक्विपमेंट भी बाहर से हम खरीदते थे। आज हमने आत्मनिर्भर अभियान के तहत सारे सैन्य बल के जितने भी हथियार, जो नई तकनीकी की आवश्यकता है, हम भारत में बनाने जा रहे हैं। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश इसका प्रोडक्ट का सबसे बड़ा हब बन रहा है। इसलिए साथियों, ये महोत्सव जब भी होता है हमें नई प्रेरणा देता है, नई ऊर्जा देता है, संकल्प देता है। और ये आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव हमारे संकल्प का महोत्सव है, हमारे सामूहिकता के साथ सब मिलकर समाज को सामाजिक आर्थिक बदलाव का महोत्सव है। मुझे आशा है कि जब आजादी के 75 साल हो रहे हैं तो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जो नीचे तक चुनी हुई है, वो संकल्प के साथ समाज में रहने वाले अभावों को दूर करने का काम करेगी, वंचित गरीब व्यक्ति की सेवा के साथ कि ये मेरा दायित्व है, इस संकल्प के साथ इस आजादी के अमृत महोत्सव को मनाएंगे। आप सभी को इस कपिल महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देश और दुनिया के अंदर अहिंसा, शांति, करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की धरती को मैं पुनः नमन करता हूं कि आज बुद्ध की धरती का संदेश दुनिया के अंदर गया है। अशांति को शांति के बदलना, करुणा, दया, सहिष्णुता,
ये सारा संदेश दुनिया में गया है तो सिद्धार्थ नगर की धरती से गया है। मैं उस सिद्धार्थ नगर की धरती को भी पुनर्नमन करता हूँ, और विशेष रूप से मैं हमारे लोकसभा में सबसे सक्रिय सांसद जंगदा पाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके कारण आज मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, अपने आशीष वचनों से हमें अभिसंचित कर हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए। और अब हम उत्तर प्रदेश शासन